बांशवाड़ा के ग्राम सभा मुनादिनपुर और नजीरपुर सहित दर्जनों गांव का मुख्य रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड पुल के कारण बाधित हो गया, जो विगत कई वर्षों से अवरुद्ध है। वर्ष भर जल भराव की समस्या रहती है, लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, उसे गांव में पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो एम्बुलेंस या पुलिस के वाहन या अन्य वाहन गांव में कभी नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते ग्रामीण में आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मसौदा पंचम डॉक्टर प्रवेश वर्मा ने बताया कि निश्चित रूप से दर्जनों गाँव का आवागमन बाधित है, जो एक भीषण समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने सरकार से इसका तत्काल हल निकालने की बात कही और कहा कि हम पत्राचार के माध्यम से भी इस समस्या निस्तारण के लिए पत्र लिखेंगे। तो वहीं अंडरग्राउंड पुल में दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वहीं घनश्याम वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष अंडरग्राउंड पुल के नीचे कार समेत मैं खुद फंस चुका हूँ। गाड़ी पूरी तरह डूब चुकी थी, किसी तरीके से ग्रामीणों ने जान बचाई। ऐसे ही कई वाहन इस अंडरग्राउंड पुल के अंदर भरे पानी में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या का निस्तारण अति शीघ्र होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि हम उसके बारे में काफी दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके पुल के नीचे पानी न भरे, लेकिन रेलवे वाले ने पुल बनाया और पुल के नीचे जो है 12 महीने पानी भरा रहता है, जिससे बरगदिया, नजीरपुर, मैनुद्दीनपुर तमाम गांव के लोग पानी में मतलब पानी से होकर आते हैं। और जो भी चाहे एम्बुलेंस हुआ, एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पुलिस को भी कहीं उस गांव में जाना हुआ, कोई शिकायत हुई, कोई बात हुई, तो वो भी 10 किलोमीटर घूम के आता है, तब जाके गांव में पहुंचता है। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं और सरकार को हम पत्र लिखने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, किस नज़रिए से इसको देखते हैं, क्या होना चाहिए? बहुत ही गड़बड़ अंडरपास बनाया गया है, जो कि मैनुद्दीनपुर ग्राम सभा के लोगों का आना जाना यहाँ से 2 बार हो चुका है और एम्बुलेंस तक नहीं आ जा रहा पाती हैं यहाँ इस रास्ते से। और मैं इस अंडरपास में खुद इसका शिकार हो चुका हूँ, मेरी भी कार इस अंडरपास में आके फंस गई है, जिसका मुझे भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ना जल्द से जल्द कोई निस्तारण इसका किया जाए।